जिले में लॉकडाउन के शुरुआती तौर पर पुलिस की सख्ती की वजह से शहरी इलाकों में माहौल नियंत्रण में था, मगर पुलिस कलाधिकारियों ने अब पुलिस के हाथ बांध दिए हैं, जिसके चलते लाख जुबानी समझाइश के बावजूद लोग बेवजह घरों से निकल रहे हैं। यही वजह है कि जिले में अब लॉकडाउन का पालन नहीं के बराबर हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से लॉकडाउन को कर्फ्यू से भी ज्यादा जिस तरीके से बात कही थी, उसके बावजूद यहाँ के जो लोग हैं, मुंगेली जिले के खासकर जो लोग हैं, बेवजह घरों से निकल जा रहे हैं, सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी की लाख समझाइश के बावजूद लोग है कि मान नहीं रहे हैं। आखिर क्या होगा, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन फिर भी पुलिस के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी तमाम तरीके से अपने तरीके से हथकंडे अपना रहे इन्हें मनाने के लिए, घरों पर रहने के लिए। इसके बावजूद लोग है कि समझते नहीं है। अभी हम मुंगेली और बिलासपुर जिले के जो बॉर्डर है बरेला, यहाँ पर चेक पोस्ट बनाया गया है पुलिस के द्वारा। यहाँ पर किस तरीके से लोगों का आवाजाही हो रहा है, इसके बारे में हम जानने के लिए हमारे साथ में मुंगेली के जरहगा थाने के जो TI है, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम बताएंगे, ये जो चेक पोस्ट बनाया गया है, यहाँ पर लोगों का आवाजाही हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है? ये हमारा बिलासपुर और मुंगेली के बॉर्डर पे बनाया गया है बरेला में चेक पॉइंट। इसमें सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को आने जाने के लिए छूट दी जा रही है जिन्हें प्रशासन ने दिया हुआ है, जैसे आपकी बैंकिंग सेवाओं के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, किराना दुकान हो गया, इस तरीके के सेवाओं को हम लोगों ने यहाँ से आने जाने के लिए हिदायत दी है। लेकिन उनके लिए भी प्रॉपर है कि भीड़ में ना जाएं, एक एक व्यक्ति ही निकले और अपने मास्क और सब चीज़ों का उपयोग करते हुए सावधानी से ही पासिंग यहाँ से दी जा रही है। उसके अलावा जो एकदम जरूरतमंद है, जिन्हें इलाज के लिए जाना है, जिन्होंने कर्फ्यू पास बनाया हुआ है थानों से, उन्हें भी हम लोग पास कर रहे हैं और अनावश्यक घूमने वालों को तो वापस रिटर्न कर दे रहे हैं। और उनके खिलाफ में 188 IPC के तहत भी कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं। पुलिस के पास क्योंकि बल कम है और अधिक से अधिक गाँवों को कवर करना है, और शाम होते ही ग्रामीण बाहर निकल आते हैं, तो फिर कैसे नियंत्रण किया जा रहा है? इनके लिए गाँव-गाँव में वॉलंटियर्स बनाए गए हैं, वो लोग पूरे प्रॉपर हम लोग के साथ में मोबाइल से संपर्क में है। उन्हें कोई भी परेशानी आती है तो हमें तुरंत तो कॉल कर रहे हैं, जिन्हें हम फोन से ही दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और पेट्रोलिंग पार्टी भी चलाई जा रही है, परंतु सभी गांवों में एक साथ पहुंच पाना संभव नहीं होता है, तो उनकी हम मदद ले रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। और वहाँ गाँव में भी हम जाके थोड़ा सा प्यार से भी समझा रहे हैं, नहीं मानने पर हम वहाँ पर दोबारा उनको डरा भी रहे हैं, चमका भी रहे हैं, और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी की जा रही है। तमाम जो है पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई भी की जा रही है, इसके बावजूद लोग अभी भी बेवजह कई गाड़ी में पराठे भरते नजर आते, बहानेबाजी भी करते, तो ऐसे लोगों को कैसे फिर सबक सिखाया जाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसे लोगों को हमने गाड़ियां भी जब्ती बना बना के रख ली हैं, कुछ लोगों को डराने के लिए रखते हैं बिल्कुल। और इससे मैसेज भी जा रहा है, तो लोगों ने अभी घूमना बाइक में तो कम कर दिया है, लेकिन घरों के बाहर शाम के समय जरूर निकल रहे हैं, जिन्हें हम लोग फिर से पेट्रोलिंग लगातार करके अंदर करने का प्रयास कर रहे हैं। शायद आने वाले दिनों में सुधर जाए, नहीं सुधरेंगे तो बहुत गंभीर समस्या हमारे सामने होगी। तो पुलिस के द्वारा तमाम प्रयास किया जा रहा है कि लोग गांव ग्रामीण इलाकों में, खास करके जहां पास चेक पोस्ट बनाया गया है, वहां पास जीत, ताकि माहौल को नियंत्रित किया जा सके और लोग घर के अंदर रहे। इसके लिए समझाने की भी कोशिश की जा रही है, नहीं मानने वालों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है, गाड़ियों को जब्ती भी की जा रही है, इसके बावजूद लोग नहीं मान रहे। हालांकि पुलिस का कहना है कि आगे सख्त कार्रवाई भी की जाएगी ऐसे लोगों पर जो बेवजह बाहर से निकल आ रहे हैं। कैमरामैन नईम खान के साथ रोहित कश्यप, स्वराज एक्सप्रेस, मुंगेली। छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन के दौरान